हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू एमएफएम गेमिंग वंस अगेन। कैसे हो दोस्त लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना गेम खेल रहेंगे। दोस्त लोग, आज का जो वीडियो है वो बहुत सारे अपडेट के साथ है। थॉमसन है, M82B है, स्कार है, MP40 है और काफ़ी बंडल्स भी है। बहुत अच्छा वीडियो है, लास्ट तक वीडियो देखना ताकि आप लोगों को पता चलेंगे जो भी अपकमिंग इवेंट्स एंड बंडल्स एंड गन की स्किन्स आ रही है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और जितने भी लोग न्यू हैं इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पे आए, ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे एंड बेल आइकन तो ज़रूर दबाना ताकि सारी न्यू वीडियोज़ एंड अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुँच जाए। ये करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करूंगा मैं थोड़े ही देर में, ठीक है दोस्तों? तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, ठीक है? चलो देन, तो सबसे पहले जो इवेंट शुरू होता है वो गन की स्किन है, जो है थॉमसन। थॉमसन एक गन की स्किन जो है, जिसकी आज तक कोई गन की स्किन नहीं आई थी। और इस वक्त क्लास स्क्वाड में जब से MP40 MP5 निकल गई है, वेक्टर 30 गन आ गई है, उसके बाद थॉमसन बहुत चल रही है, बहुत इन डिमांड चल रही है। तो उसका गन की स्किन भी आ गई है, डबल रेट ऑफ फायर के साथ है ये स्किन। इसकी एबिलिटी आगे भी बताऊंगा, ये बहुत अच्छी होने वाली। तो इसकी डबल होने वाली है रेट ऑफ फायर। इसके साथ M82B की स्किन आ रही है, सेम येलो फीचर के ऊपर है, एनिमेशंस अच्छा है इसका भी। और इसकी स्किल्स अभी कंफर्म नहीं है तो मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है? और ये गन की स्किन बहुत ही जल्दी आपको देखने मिल जाएगी। इसके साथ एक आने वाला है बॉम्ब का स्किन। बॉम्ब की स्किन अभी आजकल बहुत ही इन डिमांड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, बहुत लोगों के पास काफ़ी बॉम्ब की स्किन आ चुके होंगे। अब ये लेटेस्ट एक आने वाला है, इसके साथ एक बंडल आने वाला है, ये आपको शायद फेडेड व्हील में देखने मिले। इसके साथ या तो कोई एक इवेंट बना दिया जाएगा इसके लिए खास, 1000 डायमंड के नीचे ही तो मिलने वाला है नहीं। तो आप लोग अभी से ही याद रखो, 1000 डायमंड तो मिलेंगे, क्योंकि जितने भी फेडेड व्हील में बंडल्स आते हैं और ओपी बंडल्स रहते हैं वो होते ही है 1000 डायमंड के, तो वो तो उसी के नीचे तो मिलने वाला नहीं है। बट बंडल की बात करें तो बंडल बहुत ही ओपी है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसके एनिमेशंस भी अच्छे हैं। फीमेल बंडल के बारे में बात करें तो फीमेल बंडल भी ओपी है, फीमेल बंडल भी शायद कोई इवेंट में आ जाएगा। वैसे फीमेल बंडल के लिए ज़्यादा डायमंड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बोल नहीं सकते ये किस चीज़ में दे देंगे, बट ये भी उसी का साथ का ही बंडल है, ठीक है, जो आने वाला है जल्दी ही, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग नोटिस कर लो, देख लो। हाँ, मैं बता रहा था जैसे कि डबल इसके अंदर रेंज है, रीलोड स्पीड प्लस दिखा रहा है, बट ये रेट ऑफ फायर बोल रहे हैं कि रेट ऑफ फायर अपने सर्वर के अंदर ये रेट ऑफ फायर में बदल जाएगा, क्योंकि दूसरे सर्वर के अंदर ये आ गया है ऑलरेडी, ठीक है? स्किन काफ़ी अच्छी दिख रही है, थॉमसन गन की स्किन सबसे पहली बार आ रही है तो हर कोई लेना तो चाहेगा इसे। अब देखना है कि कितने डायमंड में आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे स्कार की, जो बहुत टाइम से इन डिमांड चल रही है, अब आ गया है उसका एनिमेशन जो बहुत ही ओपी है, बहुत ओपी है, पूरा शार्क के ऊपर बेस्ड है ये गन की स्किन, बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग भी देख सकते हैं। इसके अंदर किल का एनिमेशन भी दिया है रेड कलर का, जैसे अपने एक के का एवोल्यूशन का है ब्लू में, इसका रेड है, ये पूरी रेड थीम पे है, हाथ में भी देख सकते हो, बहुत ही ओपी लगती है। इसका एक इमोट भी है, वो भी दिखाता हूँ मैं आगे, मगर जस्ट थोड़ी देर देख लो, गन को देख लो। अब ये भी फेडेड व्हील के अंदर ही दिया जाएगा, जैसा एक एक को दिया गया था, और उसके बाद उसके ऊपर वो रेड स्टोन्स लगाते हैं एंड उसे करना पड़ता है अपग्रेड, सेम वे ये भी दिया जाएगा। अभी ये नहीं पता कि ये रेड स्टोन से ये हो जाएगा या इसके लिए कुछ और आएगा। इसके अलावा M1887 की जो शॉर्ट गन की स्किन वन पंच मैन की है, ये बोला जा रहा है कि ये जल्दी आएगी, बट ये आप लोग याद रखना, पहले विंटर लैंड की जो स्किन आई थी वो आएगी दिसंबर एंड में या तो जनवरी फर्स्ट वीक में, क्योंकि अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी क्रोमो का चल रहा है इवेंट, उसके बाद ये वाली जो गन स्किन है वो उसकी वन पंच मैन का जो इवेंट आएगा ना तभी आएगी, ठीक है? इसके अलावा उसी इवेंट के टाइम M4A1 की ये वाली स्किन आने वाली है, लोग बोल रहे हैं ये इंक्यूबेटर में आएगी, बड़ी इंक्यूबेटर में नहीं आएगी, ये नॉर्मली दी जाएगी
हो सकता है फेडेड व्हील के अंदर ही दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको दो गन्स की स्किन दिए जाएंगे या बंडल एंड स्किन गन की स्किन मिक्स करके देंगे, आप लोगों को उसी तरीके से देखने मिलेगी। बट ये उसी की थीम पे है और उसी की इवेंट के में ही आपको ये वाली देखने मिलेगी, वन पंच मैन वाली, सबसे इम्पोर्टेंट वाली MP40 है, जिसको फोनिक्स भी बोला जा रहा है। वो गन की स्किन आपके सामने है, बहुत ही ओपी दिख रही है, ठीक है। बट मुझे मालूम है, ये लगता है कि ये पोकर को या मैकेनिकल को बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, डैमेज इसका प्लस दिया जा रहा है, रेट ऑफ फायर प्लस दिया जा रहा है, एंड रीलोडिंग स्पीड माइनस दी जा रही है। अब पोकर रहेगा तो उसके अंदर डबल डैमेज आ जाता है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा ही बेटर खेलेगी। बट लेट्स सी, लास्ट मिनट पे यू नेवर नो, गरीना चेंज करता है कि नहीं करता, आई डोंट नो। तो अभी जितनी लीक्स है उसके हिसाब से मैंने आपको सारे चीज़ें बता दिया, और क्लियरली ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी अपने गेम के अंदर नज़र आएगी, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 1 वीक या 2 वीक में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू ऑल।